बहनों और भाइयों, वो भी क्या दिन थे जब अक्षय कुमार को खिलाड़ी कहकर सम्मानित किया जाता था। हर एक्शन फिल्म डायरेक्टर अक्षय के साथ एक बार जरूर काम करना चाहता था। फिल्म में एक्टिंग हो या ना हो, मार धार से ही काम चल जाता था। लेकिन आज देखो जरा क्या हाल हो गया इनका। बैक टू बैक फ्लॉप्स देकर ये एक फ्लॉप स्टार बन चुके हैं, या फिर हम कहें फ्लॉप मशीन बन चुके हैं। इनकी ये हालत हो चुकी है शायद कि जो भी स्क्रिप्ट आ रही है आन दो कल किसने देखा। अरे जैकी भगनानी ने देखा। क्यों जैकी? आज हम जैकी की नहीं लगाएंगे, अक्षय की बारी है भाई। स्क्रिप्ट से तो इनका कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिएटिव डिफरेंसेस आ ही जाते हैं जनाब के, और वो भी कोई छोटे मोटे नहीं या बड़े। डायरेक्टर से तो इनका ज्यादा पंगा होता नहीं है, लेकिन इनकी अपने को स्टार से नहीं पटते। और जहाँ सेकंड लीड हो फिल्म में, वहाँ तो बॉस इनका दिमाग जैसे तेज तरार तरीके से काम करने लग जाता है और हाथ इनके बन जाते हैं कैंची। फिल्म की रील के बीचों बीच से पैरेलल लीड के फ्रेम उड़ाकर वापस चिपका देते हैं रील को। भाई वाह, खुद की स्किल्स भले ही ना हो, लेकिन किसी और की भी नहीं दिखनी चाहिए पर्दे पर। ये अच्छा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम कभी ले डूबेंगे। ऐसी शिकायत की थी जॉन और शायद ने अक्षय के बारे में, क्या कि उनका रोल खा जाते हैं और वो भी एडिट कट टेबल पर। बेचारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते ना, क्रिएटिव डिफरेंसेस में लड़ लो, लेकिन किसी के टैलेंट पे लात नहीं मारनी चाहिए। तो आ की ऑन नंबर 7।